स्वच्छ भारत मिशन के तहत रायगढ़ जिले में ग्राम पंचायत भूतुम ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। पिछले 3 वर्षों से ग्राम पंचायत ने निसर्ग ऋण परियोजना प्रकल्प के माध्यम से गांव में जमा होने वाले सभी प्लास्टिक और गीले सूखे कचरे को संसाधित कर इसे ठीक से विघटित करने के कारण ग्राम पंचायत भूतुम जिले में एक नया मॉडल बनकर उभर आया है। गांव से सभी ठोस कचरे को 2 घंटा गाड़ियों के माध्यम से परियोजना में लाया जाता है। वहां सफाई कर्मचारी प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक बैग और रसोई के कचरे को अलग करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक की थैलियों को मिलिंग मशीन की मदद से 20 से 25 किलो के बंडल में बनाया जाता है। तैयार किए गए संयुक्त बंडलों को रिसाइकल यूनिट को बेचा जाता है, जिससे ग्राम पंचायत को अच्छी आय होती है। रसोई के कचरे को खाद में संसाधित किया जाता है और ग्रामीणों को मुफ्त में वितरित किया जाता है। गांव में सभी कचरे के उचित निपटान के कारण गांव परिसर के साथ साथ स्कूल और आंगनबाड़ी परिसर भी स्वच्छ और सुंदर रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शरद हवजी ठाकुर है। मैं धुतुम ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ। मेरे साथ हमारे गांव की सरपंच रेशमा शरद ठाकुर है। मेरे साथ हमारे गांव की ग्राम पंचायत सदस्य सविता ठाकुर है और हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक मोरे साहब है। ये उरण तालुका के रायगढ़ जिले में ग्राम पंचायत आती है। यहाँ पे हमने 0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाया है। ग्राम पंचायत ने इस प्रोजेक्ट को 3 साल से सही इस्तेमाल किया है और उसको रन किया है। यहाँ पे हम गांव से पूरा जो कचरा है वो घंटा गाड़ी से लाके यहाँ पे डंप करने के बाद उस वो कचरे का सेग्रीगेशन किया जाता है। सेग्रीगेशन करने के बाद अलग अलग तरीके का सेग्रीगेशन होता है, जैसा किचन वेस्ट होता है और प्लास्टिक। वो प्लास्टिक को एक बेलिंग मशीन के माध्यम से हमने यहाँ पे एक बेलिंग मशीन लगवा दी है। सेग्रीगेशन करने से हमारे पास जो प्लास्टिक का थैली है वो एक थैली को हम बेलिंग करते हैं। वो थैली कम से कम 50-60-70 केजी तक थैली बेलिंग करके उसका बंडल बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है प्लास्टिक की बॉटल, जो पानी की बॉटल है वो, उसको भी हम इस बेलिंग मशीन में बेल करके कम से कम एक एक जो बंडल है हमारा वो भी 25 से 30 केजी तक उसका बंडल बन जाता है। इस तरह जो फैलने वाला कचरा है वो हम उसको बेलिंग करके एक बंडल बंडल बना के यहाँ पे इस हमारे प्रोजेक्ट पे रखते हैं और उसको हम बाद में भंगार को या जो रिसाइकल यूनिट है उसको हम दे देते हैं, बेच देते हैं। उससे ग्राम पंचायत को हमारे इनकम भी हो जाता है और जो हमारा मेन उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन का वो यहाँ पे पूरा हो जाता है।